बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास दैट इज अगर तरतीब से देखें तो 9.9 है आपकी बुक में, वो 9.10 है। टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन द पल्स रेट, बेटा हमने अपनी नब्स चेक करनी है, पल्स रेट चेक करनी है, फिजिकल एक्टिविटी का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अल्टीमेटली हमें पता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारी पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल कितनी पल्स रेट होती है हमारे पास, आपने मैन और वुमेन दोनों की अलग अलग पढ़ी थी जी, 70 to 75 चले हम उसको पर मिनट जो है ना वो एक एवरेज बना देते हैं। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बेटा वो 150 तक चली जाती है हमारी पल्स रेट, ठीक है, इतनी तेज भी होती है अगर हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें तो, बहुत तेज जो है ना वो पल्स आ रही होती है। अच्छा जी, टू ऑब्जर्व ये पूरा कर लेते हैं, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ आर्टरियोल्स, यही है। अच्छा, ये देते हैं मेरे पास एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले या दूसरा। अच्छा, एज द हार्ट पम्प्स द ब्लड थ्रू द बॉडी अ पल्स पल्सिंग कैन बी फेल्ट इन सम ऑफ द ब्लड वेसल्स क्लोज टू द स्किन सर्फेस, द पल्स रेट इंक्रीजेज विद विच इन्वॉल्व द सम फिजिकल एक्सर्शन और द एक्सरसाइज। आपको मैंने पढ़ाया था तब बताया था, हम कहीं भी अपनी बॉडी के उस हिस्से से पल्स को फील कर सकते हैं बेटा जहाँ पे पल्स बॉडी की सरफेस के करीब है, जैसे खासतौर पे हमारी रिस्ट के ऊपर, ठीक है, हमारी पीडल पल्स है पाँव के ऊपर, ठीक है, पोपलीटियल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो रेडियल है और ग्रोइन रीजन के अंदर होती है, ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी होती है हमारे पास, हाँ, नेक के ऊपर भी जो है ना हम पल्स रेट को जो है ना वो फील कर सकते हैं, जुगलर वेन होती है यहाँ पे जुगलर वेन, ठीक है, उसको भी हम जो है ना वो फील कर सकते हैं। खैर देख लेते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्ट्रॉ वॉच चाहिए और रिस्ट वॉच चाहिए, या रिस्ट भी चाहिए, ये लिखना चाहिए था उसको, रिस्ट विद वॉच, ठीक है, मतलब हाथ से उसके ऊपर घड़ी भी बंधी हुई है। वैसे प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, टर्न द पाम साइड ऑफ योर हैंड फेसिंग अप, बेटा आपने अपने जो पाम है उसको अप कर लेना है, मतलब यूं नहीं करना, यानी आपके पाम की जो फेस है वो अप साइड पे होना चाहिए। प्लेस योर इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, आपकी ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर है, ठीक है, और ये रिंग फिंगर है और ये सबसे स्मॉल फिंगर और ये थंब, ठीक है, तो आपने अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है ऑपोजिट हैंड की रिस्ट के ऊपर रखनी है, अप्रॉक्सीमेटली 1 inch बिलो द बेस ऑफ योर हैंड, अपने हाथ की तकरीबन 1 inch ऑलमोस्ट इतना होता है, 1 inch जो है वो उसे आपने नीचे रखना है। प्रेस योर फिंगर्स डाउन इन द ग्रूव एट दिस पॉइंट, यू शुड फील अ थ्रॉम्बिंग योर पल्स, ठीक है, आप वहाँ पे फुदकती हुई पल्स जो है ना वो फील करोगे। अच्छा जी, काउंट द नंबर ऑफ बीट्स फॉर 1 minute, 1 minute के लिए आपने स्टॉपवॉच चलती रहेगी उसमें बेटा आपने नोट कर लेने, दिस विल गिव योर पल्स रेट पर मिनट एट रेस्टिंग कंडीशन। अभी आपने एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है, अभी आप नॉर्मल थे, आप सुकून से बैठे सांस ले रहे हैं, आपने चेक कर ली अपनी पल्स कितनी है। डू सम फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल रनिंग जंपिंग, आप जो है ना वो कोई एक्सरसाइज कर लें, और अदर एक्सरसाइज फॉर 1 minute, आफ्टर द एक्सरसाइज मेजर योर पल्स रेट बाय द सेम मेथड स्टेप 1 to 4 तक के सेम, वैसे जैसे हमने पहले हाथ रखा था इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को 1 inch बिलो फ्रॉम द हैंड रखेंगे, और स्ट्रॉ वॉच के ऊपर जो है 1 minute टाइम के अंदर जितनी भी पल्स होगी उसको काउंट कर लेंगे। अच्छा, समटाइम आपने देखा डॉक्टर जो है वो 5-10 seconds ही पल्स देखते हैं, वो 5-7-10 seconds के अगर हम काउंट कर लें तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सेकंड्स टोटल कर लेंगे, ठीक है, 10 seconds में अगर 5 times आ रही है तो टोटल 60 seconds के अंदर कितनी आएगी वो हम देख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास बेटे ऑब्जर्वेशन हैं, पल्स रेट पर मिनट, आप इस टेबल को जो है ना वो फिल करें, शाबाश। उसमें बेटा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, कितनी रीडिंग्स के ऑप्शंस बने हुए हैं, 3 readings है और एवरेज है। बेटा जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं खासतौर पे जिसमें हमने रीडिंग्स काउंट करनी हो तो हम उसको 3 times रिपीट करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में हम उसका एवरेज ले लेते हैं। साल के तौर पे एक बच्चे ने अपनी पल्स फील की है, उसको लगे मेरी पल्स 71 आ रही है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं फील करता हूँ आपकी, उसने फील की है, हो सकता है उसको 73 मिले, ठीक है, एक और आ जाता है वो कहता है मैं फील, हर बच्चे की जो परसेप्शन है फीलिंग कैपेसिटी वो हर बच्चे की डिफरेंट है, ठीक है, एक को पल्स फील हो रही है दूसरे को वहां नहीं फील हो रही होती, ऐसा ही है। खैर फर्स्ट रीडिंग आप बेटा लिखें, अपनी मर्जी से लिख लें, 70 लिख लें, ये बेसिकली हम परफॉर्म भी करेंगे तो आप देख लें, आप घड़ी चल रही है वहां पे देख के पूरा 1 second की भी लिख सकते हो अपनी कितनी चल रही है, 70, 72, 74। अगर हम बेटा इसका एवरेज लें तो 72 निकलेगा। एवरेज कैसे लेते हैं, तीनों को हम ऐड कर लेंगे और 3 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा।
आफ्टर वन मिनट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के एक मिनट बाद अगर हम देखें तो कितनी है बेटा 80, 81, 82, लेकिन ये 100 प्लस होनी चाहिए थी, जैसे ब्रीदिंग रेट चली जाती है, ठीक है 48, 49 तक बिल्कुल ऐसे ही हमारी पल्स भी बढ़ जाती है। 80, 81, 82 और एवरेज जो है वो 81 कर लें, ये किसी माड़े से बंदे से थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा के डाटा नोट किए। आफ्टर 5 मिनट एक्सरसाइज, अगर 5 मिनट की एक्सरसाइज के बाद करेंगे बेटा तो 94, 95 देखें 100 को टच करने लग गई है, ठीक है। अगर 5 मिनट की बजाय 7-8 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज करा लो तो फिर ये 100 क्रॉस हो जाएगी। 94, 95, 96 और एवरेज इसका बेटे 95 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चंस भी हैं साथ में। पहला क्वेश्चन लिखा होगा बेटे, आर द पल्स रेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स द सेम आर डिफरेंट, हर बच्चे की डिफरेंट पल्स रेट होती है बेटा। व्हाट इज द एवरेज पल्स रेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, एवरेज पल्स रेट जो आएगी वो कितनी आएगी, 72-73 कर दें, 74, ठीक है, एक रेंज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अक्सर बुक्स ने 72-75 लिखी होती है, कुछ ने 72-72 लिखी होती है, आपकी मर्जी, आप जितनी मेंशन कर, आपकी बुक में मेंशन है ये जगह छोड़ी हुई मेंशन करने की, तो लिख दें बेटा 72-72 या 72-73। अच्छा जी, कंक्लूजन लिखें, एट रेस्ट हार्ट बीट इज नॉर्मल, एट रेस्ट हार्ट बीट इज नॉर्मल, आफ्टर एक्सरसाइज हार्ट बीट इंक्रीजेस सो द पल्स रेट आल्सो इंक्रीजेस, हार्ट रेट इंक्रीजेस सो द पल्स रेट आल्सो इंक्रीजेस। अच्छा जी, कॉशन लिखी हुई है, फिजिकल एक्सरसाइज शुड नॉट बी मोर स्ट्रेनस देन योर एज एंड हेल्थ अलाउज, यानी कि छोटा सा बच्चा है और आपने उसकी अच्छी खासी वर्जिश करा दी, घर जाके छोटे बहन भाई पर तजर्बे करने शुरू कर दो, तू काम कर, तुझे कह रहा हूँ तू एक्सरसाइज कर, ठीक है, और या अगर बूढ़ा बंदा है उसको आपने तंग करना शुरू कर दिया, तो मरीज आए आपके पास पल्स चेक करवाने, आप लोग नहीं हम तो पहले एक्सरसाइज कराते हैं फिर चेक करते हैं। उसके बाद बेटे पोस्ट लैब एक्टिविटीज देखें, इफ अ पर्सन लूजेज अ लॉट ऑफ ब्लड फॉर एग्जाम्पल इन एन इंसिडेंट द पल्स मे बिकम वेरी वीक, पल्स जो बहुत कम हो जाती है, वाई जी पल्स क्यों कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा बेटे, क्या कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, पूरी उसकी साइंस है, ब्लड वॉल्यूम कम, कार्डिक आउटपुट कम, कार्डिक आउटपुट कम तो ब्लड प्रेशर भी और पल्स रेट सारे जो है ना ये फैक्टर्स कम हो जाएंगे, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। कर लिया नोट क्वेश्चन, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस आपकी जो पल्स रेट है बेटे आल्सो डिक्रीजेस। इफ अ बैंडेज वाज टाइट टाइटली अराउंड योर आर्म, अगर आपके बाजू के गिर जाए वो पट्टी बहुत ज्यादा मजबूती से बांध दी जाए, यू वुड नॉट बी एबल टू फील योर पल्स एट ऑल, आपको आपकी पल्स फील ही नहीं होगी बिल्कुल, वाई क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा बेटे, आपने इतना जोर से टाई कर दिया है। अक्सर जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन का कफ जो यहाँ पे हम टाई करते हैं उसमें इतनी हवा भर देते हैं कि वो इतने जोर से प्रेस करते हैं कि हमारी पल्स आना खत्म हो जाती है, एक दफा ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लूज करते हैं और चेक करते हैं कि किस प्रेशर के ऊपर आपकी पल्स दोबारा आना शुरू हो गई है, वही प्रेशर आपका ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा जी, उसके बाद व्हेन द एक्सरसाइज बिगिंस हाउ द हार्ट नो व्हाट इज व्हाट शुड बीट व्हाई शुड बीट फास्टर, वो कहता है आपके हार्ट को कौन बताएगा कि आपने जो ना अब तेज धड़कने, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब आप वो ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करेगी बेटा, ठीक है, और आपने पढ़ा था कि जैसे ब्रीदिंग स्टिमुलेट होगी तो आपके हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी टू सप्लाई मोर फूड, टू सप्लाई मोर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू योर मसल्स, ठीक है, आपके बॉडी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा जो है वो फूड की सप्लाई देने के लिए, टू इंक्रीज द सप्लाई या टू एनहांस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीजेस, हार्ट बीट बढ़ जाती है इन तमाम जो है ना वो चीज़ों को पूरा करने के लिए। ब्रेन टीजर है, पर्सन ब्रीथ डीपली एंड रैपिडली फॉर सम टाइम आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेरी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, एक्सप्लेन वाई स्ट्रेनस एक्सरसाइज स्टिमुलेट्स डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग। जी बेटा, क्या बात, अगर हम देखें इतने गहरे गहरे और लंबे सांस ले रहे हैं तो दो चीजें होती हैं बेटा, एक
रेट एंड डेप्थ दोनों इंक्रीज हो जाती है, मतलब सांस लेने की रफ्तार और उसकी डीपनेस, मतलब गहरे सांस ले रहे होते हैं हम, ठीक है। आप नॉर्मल बैठे सांस ले रहे हो, इतना फील नहीं हो रहा था आप सांस, लेकिन अगर कोई बच्चा बाहर से भाग के आएगा जब वो सांस ले रहा होगा, साथ वाला बच्चा सुन रहा होगा, उसकी मतलब सांस लेने की इतनी जो है ना वो तेज आवाज आ रही होगी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टू मीट द रिक्वायरमेंट, टू मीट द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कर लें या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने की रिक्वायरमेंट कर लें, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट, टू मीट द रिक्वायरमेंट जो है ना ऑक्सीजन, जो आपकी ब्रीदिंग रेट है एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की जो ब्रीदिंग रेट है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, टू मीट द रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब इस फोल में अगर हम देखें तो वाइवा वॉस क्वेश्चंस हैं, तो हम नेक्स्ट जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है उसके बाद बेटे वाइवा वॉस क्वेश्चंस देख लेते हैं, जब चैप्टर नंबर 9 से क्या क्या वाइवा वॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।